बिहार पुलिस में एक ऐसा मामला प्रकाशित हुआ है कि आपका रोंगटा भी खड़ा होगा, आपके गुस्सा भी आएगा, लेकिन निर्णय लेना होगा कि आखिर ऐसे पुलिस अधिकारी जो पूरे घटना में जो संलिप्त है उन पर कौन कौन सी कार्रवाई करनी चाहिए। ये जनहित का मामला होगा। हमारे वीडियो पर हम अनुरोध करेंगे कि DGP पटना इसका वीडियो पर संज्ञान लेंगे। अगर घटनाएं सत्य है, एविडेंस है, तो ऐसे अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। पूरे मामले को हम बताना चाहेंगे। मामला यह है कि 2018 में एक लड़की स्कूल क्रम में जाने क्रम में लड़की किडनैप हो जाती है। उसको दो लड़के उसको किडनैप करते हैं। जब लड़की घर नहीं आती है तो उसके पिता जाकर थाने पर मुकदमा दर्ज करने जाते हैं, तो उस समय के जो थानाध्यक्ष जो होते हैं आनन फानन में मुकदमा न दर्ज करके एक स्टेशन डायरी मिसिंग एंट्री दिखा करके उन्होंने मामले को घुमा दिया। उसके पिता दौड़ते रहे, कहीं भी उनको न्याय नहीं मिला। जब काफ़ी दिन गुजर गया तो अंत में अचानक उनको सूचना मिलती है कि लड़की बेगूसराय में मिली। पिता खुश होते हैं और जब बेगूसराय की जो महिला थाना ने उस लड़की का बकायदा फर्द बयान लिया, प्रोसेस फर्द बयान लिया और कहा कि और उसने हैंडओवर कर दिया पिता को। पिता लेकर लड़कियों को वापस आते हैं समस्तीपुर। वापस आने पर अब उसके पिता दौड़ते हैं थाने पर कि हमारा मुकदमा के क्या दर्ज हुआ, क्या हुआ। और ताजुब करेंगे कि वो बेगूसराय से जो पीड़ित लड़की का फर्द बयान वो गायब हो जाता है। वहाँ से फिर पूरा जो समस्तीपुर का जो रोसड़ा थाना से संबंधित मामला रोसड़ा और वहाँ के SP तत्कालीन SP समस्तीपुर SDPO जो रोसड़ा का जो उन्होंने जो खेल खेला, ताजुब करेंगे कि पूरे लॉ में जहाँ ऐसा लॉ है कि आप 0 FIR से लेकर या कोई भी लड़की किसी भी भारतवर्ष के किसी थाने में मुकदमा दर्ज करा सकती है, इन लोगों ने दौड़ाते रहे दौड़ाते जब पिता को थका दिया तब उसके पिता पटना हाई कोर्ट में गए। उन्होंने पटना हाई कोर्ट में एक रिट दायर किया कि अविलंब से मुकदमा दर्ज हुआ। जब हाई कोर्ट की जब बात आती है तब वहाँ से आनन फान में SP साहब सक्रिय होते हैं और फिर वहाँ से बेगूसराय से उसकी कार्बन कॉपी ला करके उस पर प्राथमिकी दर्ज किया जाता है। इस पर पुलिस मुख्यालय ने काफ़ी गंभीरता से लिया है। सूत्रों से ज्ञात हुआ है कि इस पर 120B और 166A IPC के तहत पुलिस वालों पर मुकदमा दर्ज होने की बात आई है। एक छोटा सा रूप है अपने वीडियो के माध्यम से, थोड़ा सा वीडियो मेरा लंबा होगा लेकिन समझने की चीज़ें हैं, बिल्कुल संभलना होगा। अब शुरुआत करते हैं, देखिए पूरे खेल में बिहार पुलिस का काली करतूत, इसमें कौन कौन संलिप्त हैं। इसमें सबसे बड़ी ताजुब करें कि संलिप्त है दरभंगा के जो IG रैंक के सबसे वरिष्ठ जो IG होते हैं रेंज के, उनका नाम भी हम लेना चाहेंगे कि उनका नाम है ललन मोहन प्रसाद डायरेक्ट IPS हैं। और उसके बाद दूसरा खेल इसमें है समस्तीपुर के जो तत्कालीन SP साहब हैं मिस्टर तिवारी जी हैं, और इसका पूरे खेल में रोसड़ा के SDPO साहब हैं, और मेन हीरो जिसको कह सकते हैं अमित कुमार जो रोसड़ा का जो SHO था। और फिर बेगूसराय चलते हैं हम वहाँ के। इन लोगों ने क्या किया कि जब जो स्टोरी के अनुसार जब लड़की जब गायब होती है, लड़की जब मिलती है, उस एक्यूज का नाम लेना बिल्कुल हम उचित इसलिए समझेंगे कि जब तक नाम नहीं होगा तब तक वीडियो पर आखिर एक्शन कैसे होगा। उसमें प्रभुनाथ झा मैथिल ब्राह्मण और उमाकांत झा मैथिल ब्राह्मण दोनों ने मोटरसाइकिल से उस लड़की को किडनैप कर किया। बाकायदा वो ले जाते हैं दोनों उस लड़की को कुशेश्वर स्थान में, 4 दिन उसको रखते हैं। रखने के बाद ताजुब करेंगे उसमें एक प्रणाथ झा करके जो है
वो ऑलरेडी उसकी पत्नी मर चुकी है, यानी और उसके बाद उसके बच्चे भी थे, यानी विधुर कह सकते हैं। उस विधुर प्रोमनाथ झा ने इस लड़की के साथ बलात्कार किया। फिर उसके बाद उसी के घर में दूसरा लड़का भी, जो बातें जो सूत्रों से आई है कि उसका भी नाम ये रविंदर झा, रविंदर झा ने भी उस लड़की के साथ बलात्कार किया। जब आनन फानन में जब बात हल्ला होती है, तब ये लोग जा कर के बेगूसराय में जा के छोड़ देते हैं। बेगूसराय के जो महिला जो एसोसिएट थी उनको मिला, उन्होंने फर्ज बयान लिया, जो बाकी हमने जो कहानी बताई है जो मिलता जुलता है। सवाल खड़ा ये होता है कि आखिर डॉक्टर बालेश्वर प्रसाद का इस वीडियो पर रिक्वेस्टेड टू है DGP के साथ कि FIR तो कहीं से भी हो सकता था, क्यों नहीं FIR रोसड़ा के थाना अध्यक्ष ने किया पहले, क्यों नहीं जब SP तिवारी जी ने जब SDPO रोसड़ा को जांच के लिए दिया तो उन्होंने क्यों नहीं पीड़िता को खोज करके उन्होंने FIR दर्ज कराया। तीसरा, बेगूसराय की महिला SHO ने क्यों नहीं फर्ज बयान दर्ज कराया। और ताजुब करें कि जब हाईकोर्ट का जब इसमें एंट्री होता है, हम यह भी बता चलते हैं अपने गाइस के लिए, अपने सब्सक्राइबर के लिए, जो जो स्पष्ट है एविडेंस है कि ये जो ऑनरेबल जो हाई कोर्ट के जो संज्ञान जो लिया गया, ये स्पष्ट तौर पर उसके बाद ही की घटना होती है। और इस तरह से जो उन्होंने याचिका जो दर्ज किया, हम अपने वीडियो के माध्यम से हम तिथि वार करके हम अपने नीचे टाइमलाइन कह सकते हैं आपको, बाकायदा हम दे रहे हैं। जैसे ये घटना 16 जुलाई 2018 को बेटी लापता हुई और पिता ने गुमशुदगी की सूचना दर्ज कराई रोसड़ा थाना में। फिर 23 सितंबर 2019 को हम चलते हैं तो बेगूसराय महिला थाना ने बरामदगी की सूचना पिता के दी और बेटी को सौंप दिया। यहाँ भी FIR दर्ज नहीं है। 25 सितंबर 2019 को बेगूसराय महिला थाने ने बेटी का दर्द बचाने का बयान पर उन्होंने रोसड़ा थाना को उन्होंने भेजा। फिर 28 सितंबर को चलते 19 को तो पिता ने रोसड़ा थाने में दोषियों के विरुद्ध आवेदन उन्होंने दिया एक्शन लेने के लिए। फिर हम सीधा चलते हैं 2021 में जो CRWJ जो ऑनरेबल कोर्ट में पटना में जो दर्ज किया है उसका केस नंबर ही हम बताना चाहेंगे 434 पिता ने किया, जिसमें पिता ने FIR दर्ज करने के लिए हाई कोर्ट में याचिका दायर करते हैं। फिर 26 जून 2023 को महाधिवक्ता ऑफिस के GP मोहम्मद नदीम सिराज ने SP समस्तीपुर को इसका मेल भी भेज दिया। फिर हम चलते हैं आपको 5-6 जुलाई 2023 को समस्तीपुर SP ने जांच अनुमंडल पद पुलिस पदाधिकारी रोसड़ा को सौंपा। फिर 20 जुलाई 2023 को चलते हैं जहां जांच रिपोर्ट कहती है कि न तो पीड़िता का बयान थाने में न दर्ज है न केस हुआ। अंतर्गत बाद जब ये मामला जब पुलिस हेडक्वार्टर पहुंचा तो ताजुब करेंगे पुलिस हेडक्वार्टर ने इस पर मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया। लोक स्मार्ट चैनल का हमारा रिक्वेस्टेड फोल्डेड हैंड टू DGP रिक्वेस्टेड हेयर कि इसमें IG साहब को भी इन्वॉल्व किया जाए, क्योंकि अमित कुमार जो दोषी सारा रोल किया, जब मधुबनी गया मधुबनी के SP ने उसको सस्पेंशन करना चाहा तो IG साहब ने उसको क्यों रोक दिया। यानी पूरे मामला का IG तत्कालीन SP समस्तीपुर, SDPO रोसड़ा, उसके बाद SP तत्कालीन ये समस्तीपुर और सबसे बड़ा हीरो अमित कुमार को इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करके अगर इन पर कोई भी अगर जेल भी भेज दिया जाए कम होगा, तो कम से कम अमित कुमार को ऐसे मुकदमे में बर्खास्त भी कर दिया जाए वो कम होगा। फिर मिलेंगे। जय हिंद।